हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं द 700th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। डॉक्टर केविन अग्रवाल्स अखाड़ा, द बेस्ट जिम इन नागपुर सिटी। अखाड़ा इज एट सदर। वन ऑफ द बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट इन द नागपुर सिटी इज डॉक्टर केविन अग्रवाल। अखाड़ा प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद गौवर्धन एंड कैंगन एनर्जिक वाटर, ऑल्सो तेजल राक्षमवार्स ब्रांड पौधा एंड एटीआर डिजाइन स्टूडियो विच मेक्स द बेस्ट ऑफ टेरेस गार्डन्स, बैल्कनी गार्डन्स एंड ऑल्सो खूबसूरत पौधे जो आपके घर के अंदर में आकर पॉजिटिविटी लाए। 700वां एपिसोड है, आपकी बधाइयां लगेंगी। सागर शिवहरे देख रहे हैं, मेरे भाई हैं और बड़ा मनोबल बढ़ाते हैं मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम गुप्ता, धन्यवाद। मैं चाहूंगा आज आप ये शो को शेयर भी करें, क्योंकि आज हम 7 चक्रों के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे साथ नागपुर शहर के वो होलिस्टिक हीलर है जो जानते हैं कि होलिस्टिक हीलिंग कैसे की जाती है। विद मी इज द जेंटलमैन आई रियली रियली लाइक इज श्रीकांत पारिक सर। नमस्कार। Congratulations to you. What a coincidence. Yes. Your 700th show is talking about the seven chakras. Seven chakras. Yes. So amazing. Yes. Sir, सबसे पहले तो आप कैसे हैं ये मैं जानना चाहूंगा। I am fine. You're fine. Yes. Sir, holistic healing, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन का हिस्सा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आप मानते हैं, या अगर देखा जाए तो वो सब मानते हैं जो होलिस्टिक हीलिंग में विश्वास रखते हैं कि होलिस्टिक हीलिंग जीवन में बहुत सारे दर्द की दवा है। सर, 7 चक्रों के बारे में बात करें, लेकिन उसमें से आज 3 मुख्य चक्र जिसके ऊपर में आप बात करना चाहते हैं, प्लीज। ओके, आई विल टच ऑन ऑल दी 7, एलैबोरेट ऑन दी लास्ट 3 चक्रास। सिंस टुडे इज योर 700th शो, जी, इट इज इम्पोर्टेंट दैट the members get something of good out of the show. जी। So, आज हम जो बात करेंगे वो है कि हर एक चक्र में प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें और उसका समाधान कैसे ढूंढे। सो हाउ दे कैन हील themselves, दैट इज वॉट वी विल शेयर टूडे। सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज इन टूडे शो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी चक्रास। सो टू स्टार्ट ऑफ विद, लेट अस स्टार्ट विद दी बॉटम मोस्ट चक्रा, जो हमारे बेस ऑफ स्पाइन में है, जिसे मूलधार चक्र कहते हैं। अब अगर ये ठीक नहीं रहा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आदमी महसूस करता है। ये अगर ठीक नहीं रहा तो यू विल फील इम्बैलेंस्ड, इनसिक्योर और अनस्टेबल। दीज आर दी 3 मेजर साइंस। अगर ये सब महसूस होता है तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं स्टेबल नहीं हूँ। इन सब चीज़ों से अगर आप जूझ रहे हैं, इफ़ यू आर हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स इन योर बैक एट द टिप ऑफ योर बोन, यू नो एट द बैक दिस थिंग वेयर द हिप इज, दीज आर क्लियर साइंस दैट योर रूट चक्रा इज हैविंग प्रॉब्लम्स। और इनको कैसे सुलझाए, पहले तो सीधी सिंपल चीज़ है कि आप जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण करें 7 बार से 21 बार, 21 दिन तक करें, यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस। और ये बीज मंत्र है लम। दूसरी चीज है, आप लाल रंग को इस्तेमाल करें जितना हो सके। उससे आप जिस चेयर पे बैठते हैं उसमें लाल रंग बिछा के बैठें, आप लाल कलर के फूड को लिए, जैसे गाजर है, रूट बेस्ड फूड्स यू टेक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू शुड वॉक बैरफुट, क्योंकि आपके रूट चक्र की जो एनर्जी चाहिए दैट कम्स फ्रॉम अर्थ, और अगर आपके दोनों फीट जमीन से कनेक्टेड है तो अर्थ एनर्जीज वहां से आती है। दैट इज द बेस्ट वे टू एनर्जाइज योर रूट चक्रा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट चक्रा, जो है स्वादिष्ठान चक्रा और सेक्रेट चक्रा, जो नाभि के 3 या 4 उंगल नीचे है। अगर ये ब्लॉक्ड है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, यू विल बी हाईली इमोशनल, यू विल बी आइदर हाइपर इमोशनल और यू विल हैव नो इमोशंस एट ऑल, बोथ द थिंग्स आर देयर। And then you will not find yourself to be very creative. You will be a person who does not like to move around. You know, you would like to stay inside your house. You would not like to interact with people. You know, and your trust levels are low. You will never trust people. आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। अगर ये सब चीजें आपके अंदर आ रही है, that means your स्वादिष्ठान चक्र is blocked. अब इनको कैसे सुधारे?
सीधी सिंपल 7 या 21 बार 21 दिन तक आप इसका बीज मंत्र जो है वम, इसका उच्चारण करें, यू विल स्टार्ट फीलिंग चेंजेस. यू शुड स्टार्ट यूजिंग ऑरेंज कलर. ऑरेंज कलर इज द कलर फॉर द स्वादिष्टान चक्र. सो स्टार्ट यूजिंग ऑरेंज कलर इन योर लाइफ. यू कैन ऑल्सो यूज क्रिस्टल्स, यू नो कार्नेरियन क्रिस्टल इज अ क्रिस्टल दैट इज वेरी गुड फॉर द स्वादिष्टान चक्र. लेट अस नाउ क्विकली गो टू द नेक्स्ट चक्र विच इज मणिपुर चक्र, या ये स्टमक में है. और दिस चक्र अगर ब्लॉक्ड है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपके अंदर विल पावर कम रहेगा. अगर ये सब चीज़ें हैं, आप कहीं बाहर किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, आपको सामने वाले से मिलने से डर लगता है, सो दीज आर ऑल लो कॉन्फिडेंस लेवल एरियाज. अगर ये सब है तो देन योर मूलधार चक्र, सॉरी दी मणिपुर चक्र इज ब्लॉक्ड. और इसके लिए कैसे निकले, इसका जो बीज मंत्र है वो है रम. तो ये रम आप उच्चारण करें 7 to 21 times इन ए डे फॉर 21 days. यू स्टार्ट फीलिंग द चेंजेस. स्टार्ट यूजिंग थिंग्स दैट आर येल्लो इन कलर. स्टार्ट वेयरिंग येल्लो कलर्ड टी शर्ट, स्टार्ट वेयरिंग येल्लो कलर्ड, स्टार्ट कैरिंग येल्लो कलर्ड नैपकिन्स, थिंग्स लाइक दैट. और दूसरी चीज, येल्लो कलर आप अपने खाने में रखिए. जैसे हल्दी है, वो खाने में कहीं ना कहीं जितनी चीज़ों में हो सके उतने मिलाइए. सो यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंजेस इन योर मणिपुर चक्र. द नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट चक्र जो है हार्ट चक्र, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं. अगर ये ब्लॉक्ड है तो आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में गड़बड़ है, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो. तो अगर आपका रिलेशनशिप लोगों के साथ ठीक नहीं है, आपका लव, you have issues with your family, with your spouse, with your children, you know, you are not able to love people, you are not able to get love from people, so these are all clear signs ke aapka anahat chakra blocked hai. Iske liye jo hai bij mantra jo hai, that is yam, iska 7 ya 21 bar 21 din tak uchcharan kare, 100% you start seeing results. What are the things that you should do? Other things is that you start using green color, you start using pink color, you start using pink colored perfume, pink colored pink flowers in your house. These are the things that will start healing the anahata chakra. The next chakra, the other three chakras which we were supposed to talk today, now these three chakras together form the mind, the entire thing that is associated with the mind, that is the throat chakra jise vishuddha chakra kehte hain, the third eye chakra jise adna chakra kehte hain, aur jo last but not the least, the crown chakra, which is the, oh, you are getting to know the names, yeah. And this thing. So the crown chakra is the sahasrara chakra. अब हमारे अंदर जो anxiety है, depression है, suicidal tendencies है, इन सब चीज़ों का, इन सब चीज़ों की वजह ये तीन चक्र है. Thyroid, migraine, ये सब जो chronic diseases है, these are all again related to these three chakras. It can be any of these chakras, plus or minus their energies. अब इन तीन चक्रों को कैसे, हाउ डू आइडेंटिफाई? फॉर दी थ्रोट चक्र और दी विशुद्ध चक्र, आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करना कर पा रहे हैं. जैसे यू वांट टू से सो मेनी थिंग्स, आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहते नहीं है, अंदर दबा के रखते हैं. दैट इज अ क्लियर शॉर्ट साइन दैट योर थ्रोट चक्र इज ब्लॉक्ड. नो हाउ डू डू इट, इट्स एक बहुत ही सिंपल चीज है. थ्रोट चक्र को हील करने के लिए आप गाना शुरू कर दीजिए. Start singing. Singing can really heal your throat chakra like anything. Okay. That's a, because it will start generating positive vibrations. Aur ye bahut simple cheez hai. Agar aap, you don't want to sing, then you know you can recite the Bija Mantra Hum. Hum. No. Yes. Bija Mantra for the Vishuddha Chakra is Hum. You recite this 7 to 21 times a day for 21 days, you start seeing changes. The other thing is, you should start taking things that are, you know, bluish in color, start wearing blue color, you know, start wearing sky blue color shirts or tops, things like that. The crystal that you can use, it's a very famous crystal which most of the women like, and most of the time the throat chakra gets affected for women. Aur us crystal ka naam hai lapis lazuli. It is also jisse necklaces bante hain, jisse bahut sare products bante hain, lot of decorative jewelry लैपिस लजुरी से बनती है. सो यू कैन स्टार्ट वेयरिंग ए पेंडेंट ऑफ लैपिस लजुरी, इट विल स्टार्ट हीलिंग योर थ्रोट चक्र. द अदर चक्र विच इज वॉट मोस्ट ऑफ द पीपल फेस इश्यूज, जैसे स्लीपलेसनेस है, एंग्जिटी है,
यू आर डिप्रेशन, दीज आर थिंग्स दैट आर क्लियर साइंस दैट आपका जो थर्ड आई आजना चक्र है दैट इज नॉट वर्किंग और ओवर वर्किंग, बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल. अगर ये हो रहा है आपके साथ तो द बीज मंत्र फॉर दिस इज ओम, एंड इफ यू हैव रिलीजियस थिंग यू डोंट वॉन्ट टू से ओम देन यू कैन रिसाइड अंग. अगर ये दोनों में से कोई भी एक बीज मंत्र रिसाइड कर सकते हैं यू विल स्टार्ट सीइंग लॉट ऑफ चेंजेस. अनुलोम विलोम विच इज अ वेरी फेमस ब्रीदिंग टेक्निक, अगर आप उसको यूज करेंगे सो देन यू विल फाइंड दैट यू नो योर थर्ड आई चक्रा गेट्स हील्ड. एंड थिंग्स दैट यू कैन डू अपार्ट फ्रॉम दिस इज स्टार्ट यूजिंग थिंग्स दैट आर वाइट इन कलर, जो सफ़ेद वस्तुएं हैं उन चीज़ों का आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, यू विल स्टार्ट फीलिंग लॉट ऑफ चेंजेस. और एक बहुत कॉमन चीज हमारे यहाँ जो मिलती है जिसे स्फटिक की माला कहते हैं, विच आई डोंट वेयर बिकॉज आई हैव अ प्रॉब्लम विद माई थर्ड आई, बट आई वेयर दिस बिकॉज ऑफ मेडिटेशन. सो दिस इज अ स्फटिक इज अ वेरी गुड थिंग फॉर दी थर्ड आई चक्र एंड ऑल्सो फॉर योर क्राउन चक्र बिकॉज इट इज गॉट स्फटिक इज डायरेक्टली इट इज रिलेटेड टू शिवाज एनर्जी, सो इट इज वेरी गुड फॉर दी क्राउन चक्र ऑल्सो. और अगर आपका क्राउन चक्र ब्लॉक्ड है तो आपके अंदर फियर होगा, एक डर होगा, यू नो आप कहीं ना कहीं किसी भी चीज के अननोन डर जिसके कोई हाथ पैर नहीं है, ऐसे डर आपको कहीं ना कहीं हर वक्त लगा रहेगा. ये लगेगा कि अगर मैं ये कर दूं कैसा हो जाएगा. और आप अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप 80% 85% तक जाएंगे लेकिन जो लास्ट के 10-15% है वहां जाके गाड़ी अटक जाएगी. आपकी सोच जो है इट इज परफेक्ट बट यू नो यू आर गेटिंग स्टक इन द लास्ट 15-10%. इफ दैट इज हैपनिंग देन 100% योर सहस्रारा चक्र इज ब्लॉक्ड. सहस्रारा चक्र के लिए कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ध्यान करिए शांति से, चुपचाप बैठ जाए सुबह उठ के, अंग या ओम का उच्चारण करें, यू विल स्टार्ट सीइंग लॉट ऑफ चेंजेस इन योर बॉडी. नाउ व्हाट हैपेंस इफ एनी ऑफ दिस चक्रास इज इम्बैलेंस्ड, कुछ भी हो तो क्या होता है, एक नॉर्मल चीज होती है दैट इज यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग नेगेटिव एनर्जीज, यू नो, एंड दीज नेगेटिव एनर्जीज कैन कम बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन एनी चक्र. और अगर नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर आना शुरू हो जाती है तो वो इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, जैसे थोड़ी आई तो इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर नेगेटिव एनर्जीज. एंड इट इज़ वेरी कॉमन फॉर ऑल ऑफ अस टुडे बिकॉज वी आर हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम बहुत सारे लोगों से हैंडशेक करते हैं, उनको गले लगाते हैं, तो हमको ये नहीं मालूम कि किसके पास कैसी नेगेटिव एनर्जी है. और इनसे बचने के लिए देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग विच आई आस्क मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स टू कैरी, विच इन फैक्ट आई गिव इट टू मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स, एंड दैट इज नोन एज ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल. नाउ दिस इज व्हाट इज अ ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल, एक काले रंग का पत्थर है, इसके ब्रेसलेट्स बनते हैं, ये रॉ फॉर्म में आता है, टम्बल फॉर्म में आता है, तो इसे हर आदमी को अपने साथ रखना चाहिए बिकॉज ये जो क्रिस्टल है इसके अंदर इतनी शक्ति है कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आती है उसको अब्जॉर्ब कर ले, और दूसरी बात यह है कि ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देता रहेगा हर वक्त. सो अगर आप दिन भर कहीं जाते हैं, इफ़ यू आर ए मार्केटिंग पर्सन, सेल्स पर्सन, आप हर रोज कितने लोगों से मिलते हैं, और बाय डिफॉल्ट यू विल फाइंड कि ये लोग जब घर आते हैं तो बहुत थके हुए रहते हैं, दे आर मेंटली ड्रेन्ड, तो हाउ टू रिचार्ज, उनको नींद नहीं आती है विच इज़ देयर बिगेस्ट चैलेंज. You just have this crystal in your hands and you start feeling better. This is the gift for today's 700th episode from me. I would request all of them to source this black tourmaline crystal and start using it. You will see 100% see a lot of changes in your life. Sir, mera ek sawal hai. Boliye. Ki ab sir jaise crown chakra jo agar wo puncture hua hai. अगर वो यू नो उसकी जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जोन में आ गया है, या उसका चलना जो है वो कहीं ना कहीं उसकी जो रफ्तार है वो बहुत कम हो गई, सिर्फ उपाय, एक ऐसा उपाय जो घरेलू उपाय है वो क्या है? आप प्रेयर कीजिए बस. हर घर में हमको पहले से सिखाया गया है कोई ना कोई मंत्र, कोई ना कोई प्रेयर, उसको कीजिए, ध्यान से कीजिए, पूजा पाठ जो आपके घर में होते हैं उसको फॉलो कीजिए, यू विल फाइंड द क्राउन चक्र टू ओपन ऑटोमेटिकली. क्योंकि सब चक्र में से क्राउन चक्र एक ऐसा चक्र है जो तुरंत खुलता है, क्योंकि भगवान के पास
देर देने के लिए देरी नहीं होती है. ही इज ऑलवेज विलिंग टू गिव यू, यू हैव टू ओनली आस्क, यू नो. सो जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे, आई हैव फाउंड द फास्टेस्ट वे टू रिलीज ब्लॉकेजेस इज द क्राउन चक्र. क्राउन चक्र को खोलना इमीडिएट है. एक सेशन में बिठा के मैं आदमी के क्राउन चक्र खोल सकता हूँ. इट इज एज फास्ट एज दैट, यू नो. सो अगर आप इसको फॉलो करेंगे, जो भी पूजा है, जो वॉट एवर प्रेयर, वॉट एवर रिलीजन, वॉट एवर गॉड यू फॉलो, यू स्टार्ट वर्शिपिंग हिम, यू स्टार्ट प्रेइंग दैट दिस थिंग, एंड यू विल फाइंड योर क्राउन चक्र टू ओपन इमीडिएटली. विदाउट इट, पीपल आर वॉचिंग योर शो, लविंग योर शो, फॉलोइंग योर शो, एंड ऑल्सो वुड लाइक टू गेट इन टच विद यू. हाउ कैन दे रीच यू आउट? They can contact me on my WhatsApp number, message me on 9566004436, and I am willing to help them out. I am always available. श्रीकांत सर, आपने अपना वक्त दिया. आज हमने तीन चक्र के ऊपर में विशेष तौर पे बात करी. अगले हफ्ते हम बाकी चार और चक्रों के बारे में बात करेंगे और उनके ऊपर में क्या आपकी यू नो किस किस्म की एक सजेशंस आपकी तरफ से आते हैं, एक ओवरव्यू आप हमें उनके बारे में बताएंगे और साथ ही साथ सॉल्यूशंस भी बताएंगे. अगर डेफिनेटली कोई चक्र सही दिशा में नहीं जा रहा है, नहीं चल रहा है बराबर, तो और या अटका हुआ है, तो आप सॉल्यूशन जरूर बताएंगे. 100% आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. श्रीकांत पारिक सर से आज मुलाकात हुई, बात हुई. 700 शो है, आई एम रियली एक्साइटेड. आज देखिए कितनी अच्छी बात है कि 700वां शो और 7 चक्रों की बात. Amazing, a great thought, a great day to start. But I would request you all कि कई बार हम ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जिससे हम ये सोच नहीं पाते कि शायद हम इससे निकल पाएंगे या नहीं. कोई बीमारी है, दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन इलाज में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये कमी हो रही है क्योंकि दवाइयां असर नहीं कर पा रही. कोई प्रॉब्लम में फंसे हैं पर रास्ता नहीं निकाल पा रहे. कोई वाद विवाद में फंसे हैं लेकिन शांति नहीं आ पाई. घर के अंदर में चार ही लोग रहते हैं लेकिन बर्तन बहुत ज्यादा बज रहे हैं. अब मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों के ऊपर में सॉल्यूशंस अगर हमें सही ना मिले तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे. सॉल्यूशन ढूंढना बड़ा जरूरी है. एक सॉल्यूशन होलिस्टिक हीलिंग भी है. आप जरूर कॉन्टेक्ट करें श्रीकांत पारिक सर को. हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही था, इसीलिए शायद आप ये शो देख रहे हैं. आपसे फिर होगी मुलाकात इंद्राज की बात. तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें. आजकल लोग मुझे ये सब चिढ़ाते भी हैं कि मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ आखिरी में, और ये मुझे जैसे देखते हैं तो पहले बोलते हैं राज की बात और उसके बाद बोलते हैं फिर आपसे होगी मुलाकात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें. यही कामना है, यही प्रार्थना है. जिंदा रहें. जय हिंद.